राजधानी ब्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यू। नरसिंहपुर। पूर्व सांसद प्रत्याशी देवेंद्र पटेल और उनके साथियों ने ली मां नर्मदा में अवैध रेत खनन रोकने की शपथ। मां नर्मदा नदी में खड़े होकर विगत 15 वर्षों से हो रहे नरसिंहपुर जिले में खुलेआम रेत खनन, जिसे प्रशासन की मिलीभगत कहें तो गलत ना होगा। नर्मदा भक्तों का, उनका भी अपना प्रयास रहेगा। प्रयास रहेगा, जब लोग जागरूक हो जाएंगे प्रयास रहेगा। हाँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो अवैध खनन करने वाले हैं वो कोई भले आदमी का है नहीं, वो धनबली बाहुबली। तो आप हमको एक बात बताइए, पुराने जमाने में भी डाकू हुआ करते थे, तो क्या नागरिक का जीवन नहीं जीवन का? अंग्रेजों ने भी इस देश के ऊपर राज किया, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उनने भी राज किया। क्या इस देश के अंदर है हमारा लोकतंत्र कायम है, हमारे धर्म की रक्षा हुई कि नहीं हुई? लेकिन उसमें एक चीज आती है, संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष होगा, आमने सामने फाइट करना पड़ी, तो यहाँ भी फाइट की स्थिति बनेगी यदि रेत माफिया को रोका। स्वाभाविक बात है, जिन तटों पर अवैध खनन है और जिन तटों पर अवैध खनन नहीं है, जिस दिन पूरी श्रृंखला खड़ी हो जाएगी, जब एक दूसरे से सब लोग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, तो इनके सामने जब जनता जागरूक हो जाती है तो भैया कोई माफिया नहीं लगता, मैं तो जानता हूँ, उसके सामने कोई नहीं लगता। मतलब यह है कि माफिया से संघर्ष करने के लिए आपकी सेना तैयारी, कैसी भी स्थिति बने? भाई जागरूक करना मेरा धर्म है, संघर्ष करना मेरा धर्म है, मेरा संकल्प माँ नर्मदा के बीच में पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्म के लोग माफी। इससे आप लोग आशा बांधिए, अभी तो ये पहला घाट है, घाटों घाट पर लोग जागरूक होंगे। नरसिंहपुर से मंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। राजधानी ब्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यू।